बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जब भी ज़िंदगी का सफ़र हम जारी रखे हुए होते हैं तो उस वक्त कभी कभी हम अपने आप के ऊपर बड़े पछताते हैं, और उस पछताने की वजह हमारे इमोशंस होते हैं, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। मसलन किसी ने छोटी सी कोई बात कर दी तो मैं गुस्से हो गया, और वो एक मोमेंट आने वाली ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो जेलों में मौजूद, अगर आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें, तो वो कहेंगे कि वो एक बुरा लम्हा जिसमें मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाया, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर किसी हस्बैंड को मिलें, कोई ऐसा हस्बैंड जिसने अपनी वाइफ को खुदा नखास्ता तलाक दे दी हो, तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि वो पछता रहा होगा कि काश मैं उस मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल कर लेता। यही नहीं, कभी कभी हम वालदैन के आगे बदतमीज़ी कर देते हैं, अपने टीचर्स के आगे बदतमीज़ी कर देते हैं, क्योंकि वक्ती तौर पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर सारे का सारा फ्यूचर अपना तबाह कर लेते हैं। ये ज़िंदगी में बार बार होता है कि हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं सेल्फ़ कंट्रोल के हवाले से, कि हम सेल्फ़ कंट्रोल कैसे कर पाएँ या इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बन पाएँ। तो हमने एक जर्नी स्टार्ट किया हुआ था जिस किताब का नाम है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। तो इसका आज चौथा जो चैप्टर है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसका नाम है बी इमोशनल इंटेलिजेंट। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखते और इसका हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं कि खामखा हम अपने जॉब के लिए या काम के लिए जा रहे हैं, किसी बस में हम चढ़े, वहाँ पे किराए की बेस पे थोड़ा सा किराया 5-10 रुपये कम कर दो, ज़्यादा कर दो, हम किसी के साथ झगड़ा बना देते हैं। इसी तरह अगर हल्का सा बाइक किसी के साथ लग गया रश में, तो हम उसके साथ वो अना का मसला बना के वहाँ पे हो सकता है लड़ना शुरू कर दें, फिर वो जो ड्रीम हमने देखा था, ख्वाब देखा था, वो कैसे फुलफ़िल होगा। अक्सर हमारी जो डिप्रेशन है उसके पीछे हमारे इमोशंस होते हैं, चूँकि वक्ती तौर पर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया होता, बाद में हम पछता रहे होते हैं उस खास मोमेंट को लेके कि काश मैं ये ना करता तो आज हम सुखी होते। कभी कभी हमारा लाइफ पार्टनर, कभी हमारे दोस्त हमसे जुदा हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपना बहुत कुछ कीमती जो सामान है वो खो देते हैं सिर्फ इमोशंस की वजह से। तो इसके स्टार्ट में वो एक कोट लिखता है, वो कहता है कि लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। ये चार्लिस का कोट जो है वो स्टार्ट में लिख रहा है, और ये कोट देखे वो कह रहा है कि 10% लाइफ वो है जो आपके साथ हैपन होता है, लेकिन 90% उस पे डिपेंड करती है आपकी ज़िंदगी, जो आप रिएक्शन देते हो। रिएक्शन बहुत आम होता है, मसलन आपके साथ कोई वाक़या हो गया, इंसिडेंट हो गया, जिस तरह मैंने कहा कि कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, किसी की बाइक आपके साथ लग गई, आपकी गाड़ी के साथ, या किसी की गाड़ी आपके बाइक के साथ लग गई, या आप कहीं जा रहे हो रास्ते में कीचड़ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई वहाँ से गाड़ी गुजरी है, तो आप एकदम से उसे गाल देते हो और उसके बाद मामला बिगड़ जाते हैं। अब ये तो है कि 10% एक चीज़ आपके साथ हैपन हुई, आप रिएक्शन क्या देते हो। इसी तरह जब ज़िंदगी में आपको नाकामी होती है, मसलन आपको फ़ेल कर दिया जाता है, आप पे क्रिटिसिज्म होता है, हाँ वो घर में है, स्कूल में है, कहीं भी है, तो आप रिएक्शन क्या देते हो। मसलन एक यहाँ पे एग्जांपल जो इसी के अंदर वो लिखता है, वो कहता है कि अगर लेट्स सपोज आपको जॉब से फारग कर दिया जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप ये सोचते हो कि मैं जनाब बड़ा मासूम हूँ, बड़ी ज़्यादती कर दी है बॉस ने मेरे साथ, या आप ये सोचते हो कि इसने मुझे फायर तो किया है लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ है, अब मैं इसको कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ज़रूर इसलिए इसने मुझे फायर किया होगा क्योंकि मैं इससे कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो आप रिएक्ट कैसे करते हो, ये बहुत अहम पहलू है इसका, जो आप अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो। एक और चीज़ जो इसी किताब में लिखी हुई है वो यहाँ पर पढ़ के मैं आपके सामने रखूँगा। वो कहता है कि यू हैव टू लर्न टू कीप योर इमोशंस इन चेक। आपको अपने इमोशंस को इन चेक रखने के लिए, यानी सेल्फ कंट्रोल के लिए, इसको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। और सबसे अहम चीज़ इसके लिए ये होती है कि जब आप किसी चीज़ को बारीकी से समझ जाओ
तो आपके लिए उस पर कंट्रोल हासिल करना आसान हो जाता है। यानी अगर आप सिंपल ये सवाल करो कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, तो उसका सबसे सादा और आम जवाब ये है कि आप लोग उस चीज़ को जितनी बारीकी से अंडरस्टैंड करेंगे, इतनी जल्दी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पे जब एकदम से रिएक्शन, तो उसके लिए ये होता है कि जब भी आप के साथ कोई इंसिडेंट हो, कोई वाक्या हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इसके लिए वो एक लाइन यहाँ पे लिखता है, वो कहता है कि टेक टाइम आउट बिफोर गिविंग अ वर्बल और नॉन वर्बल रिएक्शन। अब वो कहता है कि मसलन आप एकदम से गुस्सा हो जाता है, कोई बात करता है, तो आप कोशिश करो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो थोड़ा सा पानी पी लो, या इस तरह कोई थोड़ा सा थोड़ी सी ब्रेक ले लो, एक मिनट की, दो मिनट की। जो ही आप ब्रेक लोगे, आपका दिमाग जो है वो नॉर्मल सतह पे आ जाएगा और क्यों आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। और जिस तरह चैप्टर का नाम है बी इमोशनल इंटेलिजेंट, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि इसको थोड़ा चिढ़ा दिया जाए। ये पंजाबी का वर्ड है चिढ़ा देना, हम उसको चिढ़ा दें, हाँ मखा में वो गुस्सा होगा और उसके बाद हम तमाशा देखेंगे। लोगों ने तमाशा देखना होता है, इसलिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के एक और बात वो लिखता है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, कि इट टेक्स एफर्ट टू गिव Another person your full time and attention। कहता है कि ये वक्त लगता है कि आप किसी को सुनो, उसको वक्त दो, तभी आप समझ पाओगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि जो मैं देख रहा हूँ वही फाइनल है, ऐसा नहीं होगा। आप इमोशनल इंटेलिजेंट उस वक्त बन सकते हो जब आप किसी की नज़र से दूसरे को देख सको, या किसी के साथ कोई मामला है तो आप उसकी निगाह से देखो, उसके साथ चल के देखो, यानी उसकी सतह पे आके जब आप देखोगे तो शायद आपको मामला जल्दी समझ आ जाएंगे। और जितनी जल्दी आपको वो मामला या मामला समझ आएंगे, आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लोगे। और दूसरी चीज़ कि आप जिस बंदे को सुन रहे हो, क्या उसको प्रॉपर सुन रहे हो या नहीं, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी आपको यह बंदा आपके सामने आता है, आप एकदम से रिएक्शन ना दें, बल्कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसको सोचें, समझें, उसकी सतह पे आके उसको टाइम दें, और उसके बाद अगर आप रिएक्शन देंगे, उसको रिएक्शन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कि आप वाकई में इंटेलिजेंट हो। चूँकि इस दुनिया में 90% जंगें ऐसी लड़ी जाती हैं कि वो बंदे को जानबूझ के चढ़ा देते हैं। मसलन आप क्रिकेट अगर देखते हो, तो क्रिकेट में फास्ट बॉलर जो होता है उसका काम क्या होता है, वो जानबूझ के बैट्समैन के पास जाता है और उसको थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश करता है कि वो थोड़ा इमोशनली एंग्री हो जाए। जब वो एंग्री होगा तो कोई गलत शॉट खेलेगा, पहले वो नॉर्मल खेल रहा होगा, जब वो उसके साथ कोई बात करेगा कि छक्का मारो, मार के देखो मैं इतना अच्छा बॉलर हूँ, अब बॉल मैं तुम्हें यॉर्कर मारूंगा, बाउंसर मारूंगा, अब देखते हैं कि तुम मारते हो या नहीं मारते हो, अगर हिम्मत है तो मार के देखो। और वो जल्दी अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा नहीं है तो वो क्या करेगा, एकदम से उसे हिट करने की तरफ जाएगा और गलत शॉट खेल के आउट हो जाएगा, उससे पहले वही बैट्समैन नॉर्मल शॉट खेल रहा था। तो कुछ लोगों का काम ही आपको ट्रैक से हटाना होता है। अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखते हो, तो जो ड्रीम आपने देखा था, जिस सफ़र पे आप निकले हो, वो सफ़र कहीं और रह जाएगा और आप कहीं और चले जाओगे। कई ऐसे लोग जिस तरह मैंने पहले भी मिसाल दी कि जेलों में पड़े हुए हैं, आप उनसे पूछे तो उनकी ज़िंदगी का बड़े बड़े गोल और मकसद होंगे, लेकिन वो पछता रहे होंगे कि काश मैं उस एक मोमेंट में अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर लेता तो आज ऐसा ना होता। आई होप कि ये आप समझे होंगे कि बी इमोशनल इंटेलिजेंट जो कि चौथा स्टेप है टुवर्ड योर जर्नी, वो सफ़र जो आपने ड्रीम से शुरू किया था उसको फुलफिल करने के लिए। और किताब अगेन मैं कहूँगा ये है हैंडल थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, चौथा चैप्टर आज मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पाँचवें कदम के साथ, जो कि इसी किताब के अंदर से लिया गया है, हैंडल थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।